जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही चुनावी गलियारों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस नेता रणजीत सिंह चौटाला के गठबंधन के बयान से हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। रणजीत सिंह के बयान पर इनेलो, जेजेपी और बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। जहां गठबंधन का सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जनता के साथ है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, उनके नेताओं पर एक विश्वास जताया है और यही कारण रहा कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अंदर केंद्र में न केवल सरकार बनाई और बल्कि हरियाणा के अंदर भी हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का काम किया। जेजेपी का कहना है कि अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन होता है तो बीजेपी के मिशन 75 को दिक्कतें हो सकती हैं। एक साथ आते हैं तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए बड़ा भारी हो जाएगा। अभी सट्टा बाजार की मैं पढ़ रहा था, इसके ऊपर आई हुई है व्हाट्सएप पे, कि वो भी दिखा रहा है कि अगर मुकाबला तकड़ा विपक्ष इकट्ठा हो जाए तो इकट्ठा तकड़ा मुकाबला हो सकता है और वो अभी 57 सीटें इनकी सट्टा बाजार ने दिखाई आज के। उधर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष बीडी ढालिया महागठबंधन पर साफ साफ कहने से कुछ बचते ही नजर आए, लेकिन उन्होंने गठबंधन की अटकलों को सिरे से खारिज भी नहीं किया। इनेलो की पूरी तैयारी, उसमें जो ज्वलंत मुद्दे हैं स्टेट के, उसमें 8 मुद्दों पर हमने काल अटेंशन दी है। 2 मुद्दे जो और उससे भी ज्यादा ज्वलंत और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर एडजर्नमेंट मोशन हमने दिए। देखना होगा कि अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ तो वो कितना कामयाब हो पाता है, या फिर यूपी लोकसभा चुनाव में बीएसपी और एसपी के गठबंधन की तरह नाकाम हो जाता है। R9 TV के लिए चंडीगढ़ से OP शर्मा की रिपोर्ट।